या अगेन कम बैक। सो हम बात कर रहे थे, लास्ट हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ कॉफ़ी। अब देखो यार, मैंने ये टॉपिक इसलिए छेड़ा, मैं इस टॉपिक में अभी जो मैं कॉफ़ीज़ के नाम बताऊंगा, बस एक एस्टिमेट दूंगा कि कॉफ़ी इतनी हार्ड हो सकती है, इतनी सॉफ्ट मतलब इतनी लाइट हो सकती है, बट मैं आपको एक एस्टिमेट मतलब एक पूरा पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताऊंगा कि कितना ml इसमें हम ये डालेंगे, कितना ml ये डालेंगे, बिकॉज ऑफ दैट कि अभी मैं उस चीज़ को लेकर नहीं चलना चाहता। अभी मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ हम जो कॉफ़ीज़ के नाम है ना, जो कॉफ़ी के नेम है जितने भी, हम उनको अच्छे से प्रोनाउंस कर सके, ये समझ सके कौन सी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सी सबसे ज़्यादा लाइट होती है, कौन सी पीने में आपको रेगुलर पीने में अच्छी रहेगी, या फिर कौन सी आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी है और कैजुअली पीने में परफेक्ट है। ठीक है, इसके लिए एक वीडियो मतलब दोबारा बनाऊंगा, एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, जिसमें कि मैं हर एक कॉफ़ी के बारे में कि उसका एमएल्स जो है, हर एक चीज़ का कितना एमएल किस में डलना चाहिए, पानी कितना डलना चाहिए, एस्प्रेसो कितनी होनी चाहिए, क्या कहते हैं मिल्क फॉर्म कितना होना चाहिए, चॉकलेट सिरप कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताऊँगा बट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक, सो फर्स्ट वन इज़ दैट एस्प्रेसो के बारे में अगर हम बात करें तो एस्प्रेसो सबसे हार्ड होती है, सबसे हार्ड बिकॉज ऑफ दैट कि इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला, तो कोई हम मिल्क फॉर्म या मिल्क यूज़ नहीं करते हैं इन एस्प्रेसो, वी जस्ट यूज़ अ थिंग कि हम कॉफ़ी पाउडर लेंगे और वाटर लेंगे, दैट्स इट, एस्प्रेसो बन गई। अब हियर वी हियर इज़ द सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड कॉफ़ी पाउडर, दैट इज़ द रियलिटी कि ये चीज़ होती है कि एस्प्रेसो को सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, बिकॉज सबसे हार्डेस्ट कहने मतलब इन द सेंस के कि सबसे थोड़ा तेज़ होती है पीने में, आपका मुंह कड़वा हो सकता है पूरा। सपोज दैट आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम नाइट शिफ्ट है, सुबह का टाइम चल रहा है आपका, 3 से लेकर 6 बजे तक का टाइम है या फिर 2 से लेकर 6 बजे तक का टाइम है, इसके बीच में आपको नींद आना शुरू हो गई। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि 4 बजे तक बंदे को नींद नहीं आती, बट 4 से लेकर 6 बजे के बीच में उसको नींद बहुत आएगी, 4 से लेकर 7 के बीच में नींद बहुत आएगी। उस टाइम पर आपको संभालना, अपने आप को संभालना है कि यार मुझे सोना नहीं है, काम करना है। सो ऑन दिस टाइम यू कैन यूज़ दिस एस्प्रेसो। एस्प्रेसो बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लो, थोड़ा सा पानी लो, बस जस्ट मेक श्योर कि इन दोनों की क्वांटिटी सेम हो, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। इसके अंदर हम लोग मिल्क यूज़ नहीं करते हैं, मेक श्योर हमेशा याद रखना कि जब ये बनाओ आप इसके अंदर मिल्क यूज़ ना करो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया इसको ऐसे बनाते हैं, बट मैंने आपको इसके अंदर ml नहीं बताया कि इतने ml ये डालो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा एक नई वीडियो बनाना जिसमें कि मैं हर एक चीज़ को लेकर चलूँ, क्योंकि अभी मैं जिन कॉफ़ीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ मेरे पास इस टाइम पर जो मैंने नोट डाउन करके 7 है, बट मैं ये 10-12 लिखूँगा और, ठीक है, जिसके बाद मैं अच्छे से आपको इन सब चीज़ों को बताऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा अच्छे से चीज़ों को, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ समझ नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में भी, ना ही इस चीज़ को सुनने में। आगे चलते हैं, मैं एस्प्रेसो हो गया हमारा सबसे हार्डेस्ट, अब अमेरिकानो, इससे थोड़ी सी लाइट होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, कॉफ़ी पाउडर डाला बट वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी ताकि ये लाइट बन जाए, ताकि ये पीने के हम पिए तो इसको हमें ज़्यादा कड़वी ना लगे और जेन्युइन वे में हम जो पीते हैं वो वाली कॉफ़ी हमें ये फील हो पीने में, फील आ रहा हो पीने में। ठीक है, थर्ड है हमारा फ्लैट वाइट क्या है, एस्प्रेसो प्लस मिल्क। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा था कि वाटर प्लस कॉफ़ी पाउडर डाल रहे थे, अब देखो कॉफ़ी पाउडर और वाटर बन के एस्प्रेसो ही बनता है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अब ये एस्प्रेसो कैसे बनाया इसने, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि सपोज मैं ऊपर कॉफ़ी पाउडर और वाटर बोल रहा हूँ, ऐसे करके बोल रहा हूँ, नीचे एकदम से मैं एस्प्रेसो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सब थोड़ा कन्फ्यूज हो जाऊँ, नहीं, सिंपल सी चीज़ है, आप फ्लैट वाइट में यूज़ करोगे एस्प्रेसो प्लस वाटर, एस्प्रेसो प्लस मिल्क। एस्प्रेसो कैसे बनता है, हम कॉफ़ी पाउडर लेंगे और वाटर लेंगे, दैट एस्प्रेसो बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हम एस्प्रेसो की थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे और मिल्क की ज़्यादा रखेंगे। देखो सिंपल चीज़ है, मिल्क जितना जिस चीज़ में ज़्यादा डाला होगा उस चीज़ का स्वाद या फिर उस चीज़ की जो एक कहते हैं कड़कपन उसके अंदर जो आता है, जो एक हार्ड वो फील देता है, वो उतना लाइट हो जाएगा जितना मिल्क डलेगा, जितना कॉफ़ी के अंदर मिल्क डालोगे उतना ही वो लाइट है। जैसे चाय बनाते हो घर पे, तो जितना सपोज दैट कि 2 पत्तियाँ चाय के डाल दी और 4 कप डाल दिए दूध पानी के, 2 चम्मच आपने चाय पत्ती टी लीव्स या फिर अपने कुछ में डाल दिया और 4 कप डाल दिए अपने दूध के, थोड़ी सी लाइट बनेगी चाय, वहीं अगर 1 कप दूध और 1 चम्मच भर के चाय पत्ती डाल दी तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इस तरीके से चीज़ों को समझो। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3 चीज़ नाम पढ़े, एस्प्रेसो, अमेरिकानो और फ्लैट वाइट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे जो अगले हमारे कॉफ़ी हमारे पास मैकियातो। अब मैकियातो को बहुत लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, माचियातो कुछ नहीं होता, मैकियातो इस तरीके से हमें प्रोनाउंस करना है इस चीज़ को कि मैकियातो प्रोनाउंस करें, माचियातो ना करें इस चीज़ को। ठीक है,
तो मैकियातो, मैकियातो में क्या होता है, मिल्क फॉर्म प्लस एस्प्रेसो, हियर वी विल एड एस्प्रेसो विद मिल्क फॉर्म। ओके सो मिल्क फॉर्म और एस्प्रेसो की हम क्वांटिटी रखेंगे थोड़ी सी, मिल्क फॉर्म हल्का सा ज़्यादा डाल देना, ज़्यादा नहीं बट नॉर्मल इतना ही होता है मैकियातो का। लाते, लाते अब देखो सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, लाते जो होता है लाते का मतलब ही होता है लाइट कॉफ़ी। लाते का कभी भी अगर कोई हो ना कि कोई भी नाम ले रहे हो आप लाते करके, कोई कॉफ़ी का कैफे लाते लाते मैकियातो, तो उसमें हम समझेंगे कि ये चीज़ लाइट बनने वाली है, ये चीज़ लाइट बनने वाली है, ये चीज़ लाइट होगी थोड़ी सी पीने में, जिसको पीने के बाद हमें स्ट्रांगनेस वाली फील नहीं आएगा, हमारा मुंह इतना शायद कड़वा ना हो, हम ये चीज़ घर पे शायद पी सकें, या जो हम घर पे पीते हैं नॉर्मल वाली सिंपल जो हम सिंपल बनाते हैं जेन्युइन में बनाते हैं वो हम कह सकते हैं। ठीक है वैसे घर वाली अलग होती है, घर की बहुत डिफरेंट होती है, जो कैफ़े शॉप्स में जो हमारी कॉफ़ी में जो कैफ़े शॉप्स में कॉफ़ी बनाते हैं वो एक डिफरेंट होती है, बिकॉज वो मशीनरी के थ्रू बनी होती है, तो उसका अलग ही काम होता है, और वहाँ जो काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं जो कि इस काम को आज नहीं कर रहे, ये डेली उनका काम है, तो वो प्रोफेशनल वे में उस काम को करते हैं। ठीक है क्योंकि घर का अगर अपना कॉफ़ी में डेल बनाना चाहो तो वो नहीं बनेगा, बट किसी कैफ़े शॉप वाले के पास चले जाओ ना, अगर उसने बनाना हो तो वो दो मिनट में बना लेता है, जस्ट बिकॉज दैट उसका एक्सपीरियंस है। गॉट इट, सो आगे चलते हैं। अब लाते का मतलब होता है लाइट कॉफ़ी, ये बनती कैसे, एस्प्रेसो प्लस वाटर प्लस मिल्क फॉर्म। अब इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एस्प्रेसो जैसे कि आप सपोज कर लो कि एस्प्रेसो आपने थोड़ी सी डालनी है, जितने एस्प्रेसो डाल रहे हो उसका डबल, यानी कि 25 एस्प्रेसो आपका 25 ml का एस्प्रेसो है तो 50 ml आपका मिल्क होना चाहिए, और ऊपर 25 ml थोड़ी सी हमने वापस फॉर्म डाल देनी है, मिल्क फॉर्म डाल देनी है। जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ ना चीज़ें, ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं है, मेक श्योर इन चीज़ों को ऐसे याद मत कर लेने के अभी इतनी देर डालते हैं, मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ चीज़ों को समझने का, और इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ, कौन सी लाइट होती है कौन सी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आपको लाते का पता चलेगा, लाते कैसे बनती है, एस्प्रेसो प्लस मिल्क फॉर्म। बस मिल्क जो है एस्प्रेसो के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डालेगा, और ऊपर मिल्क फॉर्म भी ज़्यादा नहीं मतलब मिल्क फॉर्म भी डालेगा जितना एस्प्रेसो डाला है, ताकि पूरा आपका मग भर जाए और आप इजीली अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर पाओ। ऑलराइट चलो आगे चलते हैं। कैपेचिनो ये तो बहुत फेमस है, हर कैफ़े में, हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में कैपेचिनो तो मिल ही जाएगी, और सुना भी होगा सभी ने नाम। अब इसको कैपेचिनो या कैपेचिनो ही नहीं बोलते, कैपेचिनो मैंने बहुत लोगों को सुना, बोलते हैं कैपेचिनो चाहिए मुझे, सो इट्स नॉट लुक लाइक कैपेचिनो, इट्स कैपेचिनो। ठीक है तो कैपेचिनो अब बनती कैसे है, एस्प्रेसो प्लस मिल्क फॉर्म। अब एस्प्रेसो भी 20 ml डलेगी, मतलब जितना भी है ना वो सब एक ही अमाउंट डलेगा, मेक श्योर मैं जो आपको अमाउंट बता रहा हूँ वो अमाउंट सही नहीं है, मैं जस्ट एक आपकी नॉलेज के लिए वो अमाउंट आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। ठीक है कैपेचिनो में आप एस्प्रेसो मिल्क फॉर्म और मिल्क ये तीन चीज़ें अगर डालोगे ना, ये मेक श्योर सेम क्वान्टिटी में डालें। अभी आपने शायद नोटिस नहीं करा होगा बट इस चीज़ बताता हूँ, इससे पहले मैंने लाते में बात करी, लाते के बारे में बात करी, लाते में मैंने सेम चीज़ बताई, एस्प्रेसो और अपना मिल्क और अपना लास्ट अपना मिल्क फॉर्म, कैपेचिनो में वही चीज़ डल रही है, फिर टेस्ट अलग कैसे, अलग ऐसे है कि इसमें हम मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी मतलब मेंटेन रख रहे हैं और लाते में मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हैं। ठीक है तो ये ऐसे डिफरेंस होते हैं चीज़ों को, अगर ऐसे ना भी मैं छोड़ देता इस चीज़ को आप रट्टा मारते तो रट्टा नहीं मारना, समझ लो चीज़ों को, समझ जाओगे कैसे बनती है चीज़ें। और अगर हमारा आता है लास्ट, अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट है मोका, MOCHA मोका, इसको मोचा नहीं बोलते, मोका बोलते हैं, मोका। ओके मौका मिल गया आज तो मौका ऐसे। ठीक है अभी बनती कैसे है, एस्प्रेसो प्लस मिल्क फॉर्म, ऊपर से एक चॉकलेट सिरप भी डलेगी, बट मैं जनरली बताऊँ अभी ये आपको पता चल गया मौका कैसे बनती है। ठीक है क्वांटिटी सेम है, ऐसे क्वांटिटी डाल दो सेम बन जाएगी, बट इसकी क्वांटिटी की बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा चीज़ को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं लाइव आऊँगा परसों दोबारा इस चीज़ को लेकर दोबारा आऊँगा, ठीक है सेम टाइम तो मैं नहीं कह सकता बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस टाइम पर आऊँ, बट जो भी है आप तो अच्छे समझ लीजिए प्लीज़। तो अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक हमने 7 कॉफ़ीज़ के बारे में बात करी, ठीक है एस्प्रेसो अमेरिकानो, हमने बात करी कैपेचिनो के बारे में, हमने बात करी लाते के बारे में, हमने बात करी फ्लैट वाइट के बारे में, हमने बात करी इसके बारे में व्हाट वी कैन से मोका के बारे में, हमने बात करी मैकियातो के बारे में,
मैंने अभी स्टार्टिंग से जो जिस तरीके से इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, सजेस्ट करो यू शुड स्टार्ट यूट्यूब चैनल विद द नॉलेज फॉर वाइड ऑडियंस। ओके मेरा यूट्यूब चैनल है बट मैं स्टार्ट करूँगा उस चीज़ को भी। मैं एक अपना नाम छोड़ दूंगा नीचे ना डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक तो नहीं छोड़ पाऊंगा बट हाँ मैं एक लिंक छोड़ने की कोशिश करूँगा आपके लिए, लिंक बता दूंगा आपको एक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। सो अभी मैंने आप जैसे बताया कि मैंने शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी कॉफ़ीज़ के बारे में बताया वो मैंने कॉफ़ीज़ लाइन वाइज ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पता चले पहले एस्प्रेसो पढ़ रहे हैं, बाद में कैपेचिनो पढ़ रहे हैं, उसके बाद लाते पढ़ रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि क्या चल क्या रहा है, पता नहीं चले, याद ही नहीं होगी चीज़ें। इसलिए मैंने लिया किस तरीके से, सबसे ऊपर ईजी वे में क्या बनती है, एस्प्रेसो, फिर उसके बाद अमेरिकन ऐसे बनती है, अमेरिकन थोड़ा बहुत सिमिलर वे होता है हमारा इसका फ्लैट वाइट का, फिर हमारी मैकियातो बनती है इस तरीके से, उसमें ये ऐड कर दोगे तो आपकी लाते बन जाएगी, उसमें और चीज़ें ऐड कर दोगे तो आपकी कैपेचिनो बन जाएगी, उसमें उसमें एक चॉकलेट सिरप ऐड कर दोगे तो हमारी मोका बन जाएगी। तो ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी वाली वीडियो को, इस वाली वीडियो को सिर्फ इतना नॉलेज लेना, इन सब के नाम कैसे मैंने प्रोनाउंस करे, ठीक है, नाम दोबारा प्रोनाउंस कर देता हूँ, एस्प्रेसो, अमेरिकानो, मैकियातो, कैपेचिनो, फ्लैट वाइट, आपका मोका, एंड लास्ट वन आपका लाते रह गया, लाते, ठीक है। लाते का स्पेलिंग होते हैं LATTE, गॉट इट। सो ये सात आपके जो नाम मैंने बताए हैं वो इसलिए बताए हैं ताकि आपको इनको प्रोनाउंस करना अच्छे से आ जाए और आपको पता चल जाए सबसे हार्ड कौन से होती है, सबसे सॉफ्ट थोड़ी लाइट कौन से होती है, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, लाइट कौन से होती है, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी और जल्द, बहुत जल्द, विद न्यू कॉन्टेंट, विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अलविदा, एंड आई विल कम ऑनलाइन अगेन आई थिंक आफ्टर मोर। ओके सो सी यू सून गाइस, बी सेफ, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, बाय। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन टाइप इट डाउन हियर, यू कैन कमेंट इट डाउन हियर, आई एम वेटिंग हियर फॉर जस्ट 2 मिनट्स। सो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो हमारी विस्की के रिगार्डिंग होगी, विस्की के रिगार्डिंग होगी, यानी कि हम विस्की के ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे, और हो सकता है हम लोग आगे सिगार के बारे में भी पढ़ेंगे, जो सिगार की नॉलेज जितनी मुझे है वो सारी सारी आप तक बांट दूंगा, फैला दूंगा, और नॉलेज गेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। ओके सो तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड डे ब्रो, बाय।